So you've just told us that you've been connected to Tamil Nadu nearly for last 50 years. Karib, but karib. So, but what would you say was your most memorable experience in Tamil Nadu? मैं कहता हूँ कि एक से बढ़कर एक अनुभव होते हैं। मैं किसी एक जगह पे पिन पॉइंटेड नहीं कर सकता, लेकिन एक मैं घटना बताता हूँ जो मुझे टच कर गई थी। जब हम कन्याकुमारी से चले केरल होकर के फिर तमिलनाडु ईरोड वगैरह गए थे, एक आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े शहीद हुए थे और बहुत छोटी आयु में शहीद हुए थे, उनके परिवार से कोई 90-year-old माता वो जब मुझे आशीर्वाद देने आई ये, और मैं वहाँ जाकर के उनको उनकी जो समाधि है वहाँ ई रोड में उसको मैंने पुष्पहार किया, लेकिन उस माँ का भाव, क्योंकि उनके परिवार के वो कौन सज्जन थे वो मुझे रिलेशन याद नहीं रहा है अभी। पूर कुमारन डाइड वेरी यंग। यस यस यू आर परफेक्टली राइट, ही हेल्ड ऑन टू द नेशनल फ्लैग एंड डाइड। तो मेरे मन को वो छू गया का जो जो ब्लेसिंग और जो भाव था, और कुमारन का देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की बात को लेकर वो जो गर्व फील करते थे वो वाकई यानी जिस काम के लिए हम चले थे तो प्रेरक था। दूसरा, जब हमारी एकता यात्रा जा रही थी तो एक खेत में व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसने लंगोटी भर पहना हुआ था, वो खेत में काम कर रहा था, ऐसे रोको रोको रोको, तो हमें लगा कुछ शायद, तो हमने फिर हमारा कॉन्वॉय रोका, वो आया, उसको ज़्यादा समझ नहीं आता था बोलना, लेकिन उसने मेरे हाथ में 11 रुपये दिया। और मैंने हमारे तमिल भाषा जानने वाले कार्यकर्ता उनको बुलाया, मैंने कहा क्या है भाई, तो उस बेचारे को मालूम नहीं था कि ये यात्रा है तो कोई रिलीजियस है क्या है, उसने कहा आप कश्मीर जा रहे हैं ना, ये 11 रुपया मेरा भी चढ़ा देना, कश्मीर को, कश्मीर के लिए, कश्मीर में जा रहे हो आप। उसको इतना मालूम था कि यात्रा कश्मीर जा रही है, उनको ये मालूम नहीं था मेरी तरफ से भी 11 रुपये चढ़ा देना, मतलब वो इतना भाव विभोर था और लंगोटी भर था, गरीब किसान खेत, मैं तो कहता हूँ खेत मजदूर होगा वो, तो ऐसी इमोशनल घटनाएं बहुत होती हैं जो कभी भूल नहीं सकते।